हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉ लेक्चर में देखने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी में टॉपिक को, जिसका नाम है कमीशन ऑफ द क्राइम। इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि वो कौन से रीजन है, वो कौन से कारण है, कौन से कॉजेज हैं जिस वजह से कि क्राइम होता है। तो हम वो रीजन जानेंगे और उनको डीपली पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्राइम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्राइम क्यों होता है। तो उसके लिए बेसिकली हम ये देखेंगे कि सबसे पहले क्राइम होने का रीजन ये है कि जिस पर्सन ने क्राइम किया उसका इमैच्योरिटी ऑफ माइंड होता है और मेंटल डिसबैलेंस होता है। मानसिक तरीके से वो इमैच्योर होता है, अपरिपक्व होता है। दूसरा होता है डिफेक्टिव मदरहुड और फादरहुड। पेरेंट्स में या तो माता की तरफ से या पिता की तरफ से कोई डिफिशियंसी होती है। थर्ड वन इज अनहेल्दी एटमोस्फेयर, यानी कि उसका एटमोस्फेयर भी निर्भर करता है कई बारी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी जब होती है तो उस सिचुएशन में भी होता है। फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ एजुकेशन। सिक्स्थ वन इज एसोसिएशन विद क्रिमिनल। सेवन्थ पॉइंट इज इनकरेजेस एटमोस्फेयर फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। एट्थ पॉइंट इज पॉवर्टी। नाइन पॉइंट इज ब्रोकन होम एंड टेन वन इज एब्सेंस ऑफ अफेक्शनेट एंड सिंपेथेटिक बिहेवियर्स। तो ये हम डीपली पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है कि जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस तरीके से कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दिया है इनके बारे में, सिर्फ ये कॉजेज हैं। तो उसमें क्या, नंबर वन में हमने देखा इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी में क्या, इमेच्योरिटी में ये कि ये इसका सबसे बड़ा रीजन है क्राइम का, क्योंकि जो भी व्यक्ति क्राइम करता है उसका मेंटल जो स्टेटस होता है वो इमेच्योर होता है, वो पर्सन मेच्योर नहीं होता। या दूसरी चीज ये होती है कि जो उसका माइंड होता है वो डिसबैलेंस होता है, एक तरीके से उसका जो कॉन्शियसनेस है वो ठीक नहीं होती, एज अ नॉर्मल पर्सन उसकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं होती। और उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उस दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाता। सेकेंड वन हमने देखा डिफेक्टिव मदरहुड। डिफेक्टिव मदरहुड और फादरहुड का मतलब है कि या तो माता की तरफ से या पिता की तरफ से, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसे सोसाइटी में क्या हो रहा है, अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है इनलीगल है तो सोसाइटी उसको गलत नजर से देखती है, हीन भावना से देखती है, जिस वजह से होता यह है कि उस बच्चे के दिल में उस बच्चे को इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं मेंटली, उस बच्चे को इतना उसको ब्लेम वगैरह करते हैं, उसको हेट करती है सोसाइटी कि वो क्रिमिनल जो है बन जाता है, वो क्राइम की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी की हीन भावना ही उसको ये सब करने पे मजबूर करती है। तो यहाँ पे ये भी है कि डिफेक्टिव अगर पेरेंट्स मदर या फादर में से कोई भी एक होगा तो, और या कोई इनलीगल बच्चा होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं तो बच्चे को सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी, तो हम सबको ही पता है कि सोसाइटी का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम और टॉर्चर करना है। उसके बाद बात करते हैं अनहेल्दी एटमोस्फेयर की। अनहेल्दी एटमोस्फेयर नाम से पता चल रहा है कि एटमोस्फेयर अनहेल्दी है, यानी कि एटमोस्फेयर अनहेल्दी है का क्या मतलब है कि ये भी एक इसका पॉइंट देखा जा सकता है। इसके लिए क्या है कि जो उसका आसपास का एरिया है, सोसाइटी वगैरह है, वो उस पर्सन को इफेक्ट करती है, उस पर्सन की थिंकिंग को इफेक्ट करती है, उस पर्सन के बिहेवियर को इफेक्ट करती है, उस पर्सन की हैबिट को इफेक्ट करती है। तो जब कोई भी पर्सन क्या है, सोच, जो उसकी सोच होती है, जो उसके विचार होते हैं, वही उसके एक्शन होते हैं, वही उसके एक्ट होते हैं। तो अगर वो आसपास का उसका एटमोस्फेयर ही ऐसा है जहां पे इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके की सोसाइटी है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्रिमिनल बनता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है और वो हाईली एजुकेटेड और वेल डू सोसाइटी में रहता है, तो वो क्राइम करने के लिए क्या होगा, हेजिटेट करेगा कि भाई कोई भी क्रिमिनल एक्ट है वो ऐसा क्रिमिनल एक्ट कमिट करने के लिए हेजिटेट करेगा। क्यों हेजिटेट करेगा, बिकॉज द डेवलपमेंट, उसने उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, वो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट और इस तरीके की टेंडेंसी में वो जो है डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए वो हेजिटेट करता है। तो सोसाइटी का एटमोस्फेयर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और अगर वो एक अनएजुकेटेड और फाइनेंशियली वीक है या बैकवर्ड पीपल तरीके से है, तो इस तरीके की सोसाइटी में क्रिमिनल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली ऐसे उससे। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलते, इसका एक एक्सेप्शन हमने पहले भी रीड किया हुआ है कि कई बार क्या होता है, वेल टू डू फैमिली होती है, वेल टू डू सोसाइटी होती है, फिर भी वहां क्राइम इसलिए होते हैं, प्रोवोकेशन में भी आकर कई बार होते हैं। तो इस तरीके के एरिया पे क्या होता है, लाइक गैम्बलिंग होती है, एल्कोहल वगैरह ज्यादा कंज्यूम करते हैं लोग, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह वगैरह ऐसी जगहों पर ज्यादा होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि
फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी का मतलब वो असुरक्षित महसूस करता है। जैसे कि पीपल क्या है, इनसिक्योर महसूस करते हैं लॉ को, भाई वॉयलेट हो गया या इस तरीके की कोई भी चीजें हुई। तो इस पे फेमस क्रिमिनोलॉजी ने एक बात भी ये कही है, उन्होंने ये चीज बोली है कि व्हेन द लॉ आर साइलेंट, जब जहां पर लॉ चुप है आर्म आर रेज, वहां पर क्या है लोग वो करेंगे। अब जैसे कई बार क्या होता है कि लॉ के लॉ किसी ने वॉयलेट कर दिया, इस तरीके की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या कुछ भी होता है, तो उस केस में क्या होता है पब्लिक जो है इनसिक्योर हो जाती है और खुद की हेल्प करने लगती है। अब सपोज अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है तो वो, और वहां पे लॉ वहां पे ठीक है नहीं मारना चाहिए, पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, वो इनसिक्योर फील कर रहा है, तो वो अपने बचाव में, हमने देखा ना अपने बचाव में भी कई बार जो है किसी का मर्डर हो जाता है, तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इसका बहुत बड़ा रीजन देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी होना। देखो एजुकेटेड जो व्यक्ति होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है और वो इस तरीके का क्राइम नहीं करता, और एजुकेटेड पीपल क्या है हार्डली सफर करते हैं क्राइम, और क्रिमिनोलॉजिस्ट जो भी होते हैं लार्ज स्केल पर, यहाँ पर इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, और वो क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट भी नहीं होते हैं। अब आप यही देख लीजिए इस तरीके का जो बिहेवियर होगा अनएजुकेटेड पीपल, जो एजुकेटेड होगा वो कोई भी क्राइम करने से पहले सोचेगा, बट जो अनएजुकेटेड पीपल होगा वो क्या करेगा, उसको कोई भी अगर कुछ रुपए दे देगा तो उस तरीके से वो क्रिमिनल बिहेवियर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगा कुछ पैसों के लिए, या तो क्योंकि वो एजुकेटेड ही नहीं है उसे पता ही नहीं है। तो ये लैक ऑफ एजुकेशन भी क्राइम होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कॉज है। उसके बाद सिक्स पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं एसोसिएशन विद क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स। अब यहां पे बात करते हैं संगत की, तो भाई जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर कोई पर्सन इस तरीके के एटमॉस्फेयर में, इस तरीके के एसोसिएशन में रहता है जहां पे क्रिमिनल्स हैं, तो वो धीरे धीरे उन चीजों को फॉलो करने लगेगा और वो खुद भी क्रिमिनल्स बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट ने, उन्होंने ट्रेड ने क्या कहा कि अ मैन लर्न क्रिमिनल बिहेवियर बाय द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन इन नॉर्मल लाइफ। अब वो क्या है, नॉर्मल लाइफ में भी उसको करने लगेगा, ठीक है बुरी आदतें जो है बुरी आदत जल्दी से अडॉप्ट करेगा, बहुत जल्दी से उन चीजों को करेगा, और अच्छी आदतों को उतनी जल्दी से अडॉप्ट नहीं करेगा। तो संगत का असर पड़ता है, और इसका छोटा सा एक एग्जांपल है कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है इनकरेजेस एटमोस्फेयर फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। कई बार इस तरीके का एटमोस्फेयर होता है कि जहां पर क्राइम होना स्वाभाविक है। अब हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कोई भी सिनेमा घर में या इस तरीके के मॉल वगैरह में जाते हैं, बस वगैरह में, रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे पिक पॉकेटर जो होते हैं, जेबकतरे वगैरह जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में क्या होता है क्राउड होता है और जल्दी से हम इनको ढूंढ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं एक बार ये भी इस चीज का फैक्टर देखने को मिलता है कि इसका एक ये भी है कि अब जो भी एटमोस्फेयर है क्राउडी एरिया है तो जल्दी से इंसान भाग जाएगा, पता नहीं चलेगा। रेलवेज में ज्यादातर ये होता है कि इस तरीके से पिक पॉकेटिंग होती है, फोन वगैरह स्नैचिंग वगैरह करके ले जाते हैं, देन वो भाग जाते हैं क्योंकि क्राउडी एरिया किसी को जल्दी से पता नहीं चलता। तो एटमोस्फेयर भी कई बार उन्हें ऐसे लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि फेवर कर रहा है। एट्थ वन इज पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। अब भाई गरीबी तो सबसे बड़ा रीजन है ही है, मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी है, क्योंकि अगर एक इंसान भूखा है या उसके पास ऐसी चीजें हैं फूड वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वो क्राइम कमिट करेगा ही करेगा। नॉर्मली जो है मेजर रीजन देखा जाता है क्रिमिनल्स का कि वो पुअर क्लास के होते हैं और इस तरीके के अगर वो ऑफेंस करते हैं लाइक पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट, डकैती वगैरह, तो वो इसीलिए ही करते हैं क्योंकि गरीबी होती है। अब गरीबी में इंसान क्या है, वही है ना राजेश खन्ना का एक डायलॉग है पापी पेट का सवाल है, तो वही वाली चीज है कि गरीबी कहीं ना कहीं इसको फोर्सफुली एक रीजन बन जाता है क्राइम करने का। नाइन्थ वन इज ब्रोकन होम, ब्रोकन होम का मतलब होता है कि जहां पर फैमिली में माता या पिता का या तो डाइवोर्स हो गया हो या उनमें से एक की डेथ हो गई हो या वो सेपरेट रह रहे हों, तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है बच्चा शुरुआत में ये देखता है तो बच्चे के दिल में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चा एक तरीके से कोरा कागज होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो इस तरीके की जब चीजें देखता है तो वो थोड़ा अकेला रहने लगता है और ऐसे एसोसिएशन में, ऐसी संगत में रहने लगता है जो कि उसको धीरे 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 क्रिमिनल की तरफ ले जाते हैं। टेंथ एंड लास्ट वन पॉइंट इज अब्सेंस ऑफ अफेक्शनेट एंड सिंपथी बिहेवियर। देखो कोई भी व्यक्ति अगर होता है ना तो एक लाइन है कि हर व्यक्ति प्यार और सम्मान का भूखा होता है,
तो जब किसी व्यक्ति को फैमिली मेंबर्स में या पीपल जो है आइसोलेट कर देते हैं, नफरत करते हैं, रिवेंज वगैरह लेते हैं, सिंपति वगैरह नहीं करते, तो ऐसे इंसान के दिल में ना एक हेटर वाली सिचुएशन आ जाती है। वो हेट करने लगता है सोसाइटी की, भाई उसके साथ इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है, क्यों उनका रिएक्शन है, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है क्राइम की तरफ। अभी हम एक व्यक्ति को अगर 24 घंटे उसको आइसोलेट करेंगे, उसको हेट करेंगे, उसको गलत तरीके से देखेंगे, बोलेंगे, तो भाई हर इंसान सिंपति चाहता है, हर इंसान स्नेह चाहता है। जब इस तरीके की चीजें होंगी तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्रिमिनल की तरफ चला जाएगा। एक पर्सन ये सोसाइटी से एक्सपेक्ट करता है कि उसको ब्लेम और डिसरिस्पेक्ट नहीं करे, और अगर ब्लेम और डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर उस पर्सन के साथ होता है तो वो ही व्यक्ति अधिकतर क्रिमिनल बनता है। तो आई होप ये कॉजेज आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।